जोधपुर जाके अगर स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो डेफिनेटली कुछ मिस किया है। लेकिन इसी जोधपुर में छुपे हैं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट दैट यू एब्सोल्युटली कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। आज हम आपको लेके चलेंगे ऐसे एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है जिप्सी। जिप्सी जोधपुर का लीडिंग ब्रांड है और ये फेमस है अपने प्योर वेजिटेरियन खाने के लिए। इनफैक्ट ये जोधपुर का वेरी फर्स्ट एसी रेस्टोरेंट था। यहाँ बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज आए हैं जैसे टीना अंबानी, कंगना रनौत और विकास खन्ना। इस रेस्टोरेंट को काफी सारे एक्सेलेंस अवार्ड्स मिले हैं एंड इसका मीडिया में बहुत कवरेज हुआ है। जिप्सी बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डरिंग व्हाट यू कैन ईट, क्योंकि यहाँ पे खाना पैक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। फास्ट फूड कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होके जिप्सी ने ओपन किचन फॉर्मेट रखा है और यहाँ के मेन्यू में है मल्टी क्यूजीन ऑप्शंस। हम है जिप्सी में और यहाँ पर दो टाइप का खाना मिलता है। एक नीचे आप फिक्स मेन्यू से एलाकार्ट ऑर्डर कर सकते हैं और ऊपर थाली है जिसमें 35 आइटम्स होते हैं अनलिमिटेड और 400 टू 500 के बीच की रेंज है। हमने यहाँ पे दाल बाटी चूरमा मंगवाया है और भी गुलाब जामुन सब्जी भी मंगवाई है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है सुनने से। और मखानिया लस्सी, हम लोग पहले सोचे थे थाली खाते हैं लेकिन हमारी अपेटाइट इतनी नहीं कि हम 35 अनलिमिटेड डिशेस खा सके, तो हमने सोचा कि हम कुछ स्पेशलिटीज नीचे ट्राई करते हैं। ये गुलाब जामुन की सब्जी, इसके अंदर ये गुलाब जामुन है। ओह माय गॉड, थैंक यू। ये हमारी दाल बाटी चूरमा जो ऑलमोस्ट लाइक अ थाली है, ये बाटी है, ये दाल है और इसके साथ ये लड्डू भी है और गाजर का हलवा है ये, और ये टमाटर की चटनी है, ये कोई सब्जी है और ये भी कुछ है। भैया ये क्या क्या बता दो। हाँ, ये आपकी लड्डू की सब्जी है, ये गाजर के हलवा है, ये चूरमे के लड्डू है जो फेमस है, गले की चटनी और यहाँ मिर्ची की पिटाल है और एक देसी घी में दाल बना हुआ है ये बाटी। ये बाटी, थैंक यू। अब आती है थाली की बात। बाटी को पहले तोड़ लेते हैं, इसको ऐसे खाया जाता है। ये दाल डालते हैं जिसमें ऑलरेडी घी डला हुआ है, देसी घी। हाँ, देसी। थोड़ा सा इसमें पापड़ भी डालना चाहिए। तो ट्राई करते हैं। जो देसी घी का सीरियस जो टेस्ट है देसी घी का है मुझे इसमें। दाल बहुत ही बढ़िया है और दाल मेरा फेवरेट क्यूजीन, मतलब फेवरेट डिश भी है, बहुत ही टेस्टी है, एकदम रिच। करके मैं सारे आइटम्स ट्राई करूंगी। ये है चटनी, बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है अचार का मसाला जैसा है। अभी ट्राई करेंगे ये मिर्च, मुझे मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन ये इसके साथ अच्छी होगी। अभी ट्राई करेंगे गट्टे की सब्जी, ये गट्टा है बेसन का ये सब्जी, ये बिल्कुल कड़ी जैसी है, बहुत टेस्टी है। आगे ये गाजर का हलवा, अच्छा इतना गर्म नहीं है लेकिन अच्छा। और लास्टली ये चूरमे के लड्डू, थोड़े से ट्राई करती हूँ, बहुत मीठे हैं, अच्छे हैं। मेरे को ऐसे बेसन के लड्डू सबसे अच्छे लगते हैं, फिर अच्छे हैं ना, मोती चूर जैसे ना वैसे है, ऐसे सबका मिक्स है। इसके साथ पिज्जा भी मिला है, दो पीसेस है।
थोड़ा सा अभी खा रही हूँ, खाने के बाद खाऊंगा। दाल बाटी टाइम। आटा, फ्राइड आटा। सारी बेसिकली खुशबू अलग होती है, इसके अंदर थोड़ा सा अचार। बहुत टेस्टी, और अचार भी बहुत अच्छा है। ये है जोधपुर स्पेशल मखानिया लस्सी, यहाँ पे 69 की है। तो इसके अंदर देखिए आप इतना मक्खन भर के है। इसमें इलायची है, केसर है और दही। जैसी हमने कुल्फी यहाँ पे स्ट्रीट फूड में अरोड़ा चाट भंडार से खाई थी, लस्सी ये उसी टाइप की है कुल्फी वाली। तो मैं बटर टेस्ट करती हूँ, काफी ठीक है। मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो अगर मैं कंपेयर करूँ अरोड़ा की लस्सी और इसको जिप्सी की लस्सी से, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि इसमें काफ़ी जो फ्लेवर्स है इलायची और केसर के ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा लाइट था, क्रीमी तो वो भी थी, पर इसमें खट्टापन भी थोड़ा ज़्यादा था, ये मुझे ज़्यादा उससे अच्छी लगी। Are you excited, Megha? Yes, especially गुलाब जामुन की सब्जी खाने के लिए, क्योंकि मैंने गुलाब जामुन को कभी ऐसे दाल माखनी या पनीर की ग्रेवी में नहीं देखा है। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करो। चाशनी भी नहीं डाला होगा ना? ये कोफ्ते जैसे ही लग रहा है। वैसे में तो केक्स जो दिखते हैं ब्रेड बटर की तरह और होता है, एक्चुअली में केक इसको खा के भी वैसे ही लगता है। अच्छा है, ऑलमोस्ट कोफ्ते जैसा। सबसे मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, दिखने में तो गुलाब जामुन जैसा ही लग रहा है। हाँ गुलाब जामुन है, पर इसका जो मीठी नहीं है, ये सब्जी है सारा मीठा गुलाब जामुन नहीं है, पर वैसे टेस्ट आ रहा है गुलाब जामुन। जिप्सी इज़ अ ग्रेट रेस्टोरेंट स्पेशली फॉर फैमिलीज, क्योंकि यहाँ के मेन्यू में सब मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ है, फ्रॉम पिज्जा टू राजस्थानी बाटी चूरमा, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। दिस रेस्टोरेंट इज अ 515 एंड अ मस्ट विजिट वन वेन इन जोधपुर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही वीडियोज हर वीक बनाते हैं।